एक ऐसी टीम जो पुराने तरीकों से चल रही थी, एक ऐसी टीम जिस पे किसी को भरोसा नहीं था, एक ऐसी टीम जो बड़ी टीमों से आराम से हार जाती थी। कैसे एक छोटे से शहर से आया आदमी ने पूरी टीम को पलट के रख दिया, आइए देखते हैं। देखो, इस वीडियो को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले धोनी की कैप्टनसी, दूसरा उनकी टीम डिसीजंस और रिजल्ट्स, और तीसरा है उनकी बैटिंग। युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, दिनेश कार्तिक, इन सबको धोनी से पहले मौके मिले थे। मतलब बात तो ये थी कि धोनी को अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कोई कंसिडर भी नहीं किया था। अपने पहले मैच में भी वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए और बहुत ही आसान तरीके से वो रन आउट हो गए, और आगे चल के उन्हें एक ऐसे वर्ल्ड कप टीम की कैप्टनसी दे दी जिस वर्ल्ड कप को कोई देखना भी नहीं चाहता था। और न जाने कितने ऐसे लोग थे जिनको उनकी बैटिंग स्टाइल से लेकर उनकी हेयर स्टाइल सबसे दिक्कत थी। लेकिन फिर उस आदमी ने ऐसा क्या किया, आज उनके जाने के बाद पूरी टीम अधूरी सी हो गई है। यार देखो, मैं धोनी का फैन तो हूँ लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मुझे पता है कि 2007 में कैप्टन बनने के बाद 2007 का वर्ल्ड कप जिताया, 2011 का वर्ल्ड कप जिताया और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, और साथ ही साथ कई इंपॉर्टेंट सीरीज में भी उन्होंने इंडिया को जितवा दिया। लेकिन इसके बाद भी उनके ही रहते इंडिया ने 2009 का वर्ल्ड कप, 2014 का T20 वर्ल्ड कप, 2016 का T20 वर्ल्ड कप, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और 2015 का वर्ल्ड कप, ये सब हारा। उनके ही रहते इंडियन टीम ने ओवरसीज में टेस्ट में काफी खराब परफॉर्म किया, आईपीएल में भी टीम उनकी फिक्सिंग में फंस गई। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बाद आज की डेट में उनसे बड़ा क्रिकेट सुपरस्टार इंडिया तो छोड़ो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। 2007 का वर्ल्ड कप, जब इवन बीसीसीआई ने भी उस वर्ल्ड कप की वैल्यू नहीं करी थी, उन्होंने तो मजाक तक उड़ा दिया था कि T20 क्यों, T10 या 11 ही करा लो ना। और इंडिया के तीन सबसे बड़े सुपरस्टार्स राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, इन तीनों ने ही अपना नाम इस वर्ल्ड कप से खींच लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसका कोई फ्यूचर नहीं। और 2007 के वर्ल्ड कप में जो बेइज्जती हुई थी उससे तो किसी भी इंडियन फैन को ये नहीं लगा था कि इस टीम का कोई भविष्य हो सकता है। ऐसे में ज्यादा बेइज्जती से बचने के लिए बीसीसीआई ने एक ऐसी टीम क्रिएट कर दी जिसमें सिर्फ नए खिलाड़ी थे, और उस टीम की कैप्टनसी दे दी महेंद्र सिंह धोनी को, जो सिर्फ 3-4 साल पहले ही इंडियन टीम में आए थे। ना इस टीम के कैप्टन से, ना इस टीम के लोगों से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, उन्हें तो फर्क भी नहीं पड़ रहा था। आप ही सोचिए, देखो सहवाग, हरभजन, युवराज, इन तीनों के रहते हुए भी उन्होंने धोनी को कैप्टन बनाया। वैसे बात तो ये भी आ रही थी कि सचिन और गांगुली ने धोनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से जज किया था। मतलब एक मैच के बाद जब धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तो सचिन को ये लगा कि ये बहुत ही सेंसिबल तरीके से जवाब दे रहे हैं, ये कैप्टन बन सकते हैं, शायद ये भी रीजन हो सकता है। ऐसे में सहवाग, युवराज, हरभजन, इन तीनों प्लेयर्स के रहते धोनी को कैप्टन बनाया गया। काफी लोगों को तो ये लग रहा था कि अब इनके ईगो से धोनी कैसे टैकल करेंगे, लेकिन धोनी भाई ने इनको टैकल करके साथ में रखा और टीम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करी। सीनियर प्लेयर्स के साथ साथ ही उन्होंने यंगस्टर पे भी बहुत फोकस किया, उनको पता था कि अब ये नए लोग ही इस टीम को आगे ले जा सकते हैं, और इसका रिजल्ट आपको आज दिख रहा है। रोहित शर्मा, आर अश्विन, विराट कोहली, कुलदीप, चहल, दीपक चहर, रविंद्र जडेजा, ये ऐसे प्लेयर्स थे जिन पे धोनी ने बहुत फोकस किया, और आज यही सब हमारे देश के सुपरस्टार्स हैं। और रोहित विराट तो कैप्टन भी बन गए थे। और कहा तो ये भी जाता है कि हार्दिक पंड्या की भी उन्होंने काफी मदद करी, और रिजल्ट्स आप देख रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैप्टनसी मिलने के बाद उन्होंने प्लेयर्स को मैनेज किया, उन्होंने ऐसे कई डिसीजंस भी लिए जिससे उनका करियर आगे जाके और बदल गया। अपने करियर के स्टार्ट में धोनी काफी एग्रेसिव प्लेयर थे, मतलब पाकिस्तान और श्रीलंका को जो लपेट के दिया था ना, वो तो हम सबको याद है। मतलब मैंने तो ट्यूशन में जाके धोनी की वो 183 वाली इनिंग देखी थी, और ना सिर्फ ये बल्कि टेस्ट मैच में भी उनका अप्रोच काफी ज्यादा एग्रेसिव था। मतलब मुझे तो 200 रन याद है, मतलब क्या ही मार के खेला था। लेकिन 2009 और 10 के आसपास उन्होंने अपनी बैटिंग में एक शिफ्ट लाया, उन्होंने अपनी बैटिंग पोजीशन बदल दी और एक फिनिशर के रूप में ज्यादा उभर के आने लगे। न जाने ऐसे कितने ही मैचेस थे जिनके अगेंस्ट धोनी ने फिनिशिंग स्पॉट में आके टीम को जिता दिया। ट्राई सीरीज के फाइनल में वो 45 नॉट आउट अगेंस्ट श्रीलंका, जिसमें आखिरी ओवर में उन्होंने 16 रन मार के इंडिया को मैच जिता दिया था, और साथ ही साथ वो सीरीज भी। इसके बाद 44 नॉट आउट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के अगेंस्ट 2006 में वो 72 रन नॉट आउट। 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप तो हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करूंगा, वो है आईपीएल में जब वो पुणे के लिए खेलते थे, पंजाब के अगेंस्ट उन्होंने लास्ट ओवर में जो 2 बॉल पे 2 छक्के दिए थे, वो नेक्स्ट लेवल थे। लेकिन फिर एक दिक्कत आई, धोनी जिनकी आदत थी कि वो बैटिंग में जाने से पहले से 2 बैट को लपेट के प्रैक्टिस करते थे ताकि उनका बैट फ्लो स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो बहुत ही एक मोटे और भारी बैट से खेलते थे। मतलब मुझे याद है धोनी ने अपना बैट अफगानिस्तान के प्लेयर को दिया था, तो उन्होंने बताया कि इससे ज्यादा भारी बैट उनकी टीम में किसी के पास नहीं है। जिस बंदे ने इस बैट से जीवन भर बैटिंग करी है, अचानक से अगर उसका साइज चेंज होगा, उसका वेट चेंज होगा, तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी। और यही हुआ, आईसीसी ने अपने बैट की साइज और वेट में चेंजेस किए। इसके बाद से धोनी का बैट और पतला हो गया और साइज में भी थोड़ा कम हो गया। इस चीज को आप 2019 के वर्ल्ड कप में ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद से धोनी का बैटिंग अप्रोच भी थोड़ा स्लो हो गया, वो ज्यादा बॉल्स पे रीच करके उसको मार नहीं पा रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी प्लेयर्स ने भी धोनी के गेम को पढ़ लिया था, जिस वजह से धोनी को काफी दिक्कतें हो रही थी। और इसके बाद एक नेगेटिव वेव चली जिसमें धोनी को कई बार लोगों ने धोबी, स्लो प्लेयर, बुढ़ा, टेस्ट प्लेयर ऐसे शब्दों का यूज करके उन्हें अब्यूज किया। लेकिन इन सब लोगों के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, 2019 का वर्ल्ड कप याद है, जब सेमीफाइनल में इंडिया के सारे बैट्समैन आउट हो चुके थे, इस क्रंच मोमेंट में पूरे देश को पता था कि सिर्फ एक ही इंसान है जो इस पॉइंट से भी इंडिया को जिता सकता है, और वो था
धोनी ने अपनी कैप्टनसी में काफी सारे डिसीजन लिए जिससे पूरे इंडिया को एक अलग माइंडसेट देखने मिला। जैसे इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में इयान बेल जो रूस के हिसाब से आउट थे, धोनी ने वो अपनी अपील वापस ले ली। वही इंग्लैंड के प्लेयर्स और उनके फैंस जो धोनी को बू कर रहे थे, पूरे देश ने खड़े होकर धोनी के लिए तालियां बजाई। ऐसे में ही जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच टाई हो गया तो पाकिस्तानियों ने तो अपने मेन बॉलर्स लाए बॉल आउट के लिए, लेकिन धोनी ने तो स्पिनर्स और बैट्समैन से अपना बॉल आउट करवाया। मतलब जो मेन बॉलर्स थे उनको तो उन्होंने बॉल फेंकने ही नहीं दी और रिजल्ट आप देख सकते हो, 3-0 से इंडिया जीत गया। 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी धोनी ने ईशांत शर्मा से जो बॉलिंग करवाई वो भी काफी क्रूशियल थी क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स ऑलमोस्ट मैच जिताने वाले थे। ऐसे में ईशांत शर्मा जिनकी हाइट ज्यादा थी, धोनी ने उनको शॉर्ट बॉल डालने का सुझाव दिया और सेम ओवर में ईशांत शर्मा ने इंग्लैंड के दोनों प्लेयर्स को आउट कर दिया। और मजे की बात तो ये है कि दोनों प्लेयर्स का कैच अश्विन ने लिया था और कैच भी सीधा उन्हीं के हाथ में गया। मतलब आप समझ सकते हो ना किस लेवल पे उनका दिमाग चल रहा था। 2007 वर्ल्ड कप का वो बांग्लादेश का रनआउट तो कौन ही भूल सकता है। धोनी ने पहले ही एंटिसिपेट करके अपने हाथ का ग्लव हटा लिया था और उसी हाथ से फिर उन्होंने जाकर रनआउट किया। 2011 के वर्ल्ड कप में जब धोनी आउट ऑफ फॉर्म थे, ऐसे में फाइनल जैसे क्रूशियल मोमेंट में उन्होंने अपने आप को इन फॉर्म युवराज से पहले बैटिंग करने लाया। सबको लगा कि काफी अजीब मूव है, लेकिन उन्हें पता था कि मुरलीधरन को वो बहुत अच्छे से खेल सकते हैं और धोनी के इस मूव ने वर्ल्ड कप जिताने के लिए काफी अहम भूमिका निभाई। लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि बैटिंग हर बार अच्छी थी, तब भी उनके कुछ डिसीजंस थे जिसने गेम को पलट दिया। अब अगर एंड में मैं बोलूं तो इंडियन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस और उनको जीतने की आदत धोनी की कैप्टनसी में, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस दिखाया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, ध्यान देने वाली बात है कि जब धोनी कैप्टन था तो हमें किसी प्लेयर्स की इंटरनल लड़ाई पता भी नहीं चलती थी, कौन से प्लेयर को कैप्टन बनना था यह हमें कभी सुनाई भी नहीं देता था। उस एक बंदे ने तीनों फॉर्मेट में इंडिया को कैप्टन किया और उसके जाने के बाद आप देख लो हम डिमांड कर रहे हैं हर टीम के लिए अलग कैप्टन। धोनी की कैप्टनसी में जो प्लेयर्स ऑलमोस्ट भाइयों की तरह रहते थे, आज वही प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, वो दुखी है, वो शेयर नहीं कर पा रहे अपनी चीजें। अब देखो ना सोशल मीडिया में विराट कोहली, पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर्स कितना ज्यादा एक्टिव है, वो हर चीजें वहां पोस्ट करते हैं लेकिन अपनी टीम से बात नहीं कर पा रहे। धोनी के जाने के बाद ही कोहली वर्सेस रोहित होने लग गया। हमें भरोसा ही नहीं हो रहा है किसी प्लेयर में कि किसका साथ दें क्योंकि सब इतने अलग से लगने लग गए हैं, क्योंकि उस एक बंदे ने इतने सारे लोगों को एक साथ रखा और उसके जाते ही सब बिखर गए। जब भी इंडिया का बैटिंग कोलैप्स होता है तो सारे देश वालों को एक रिलायबल प्लेयर की कमी बहुत खलती है। अगर मैं अपनी बात बोलूं तो जैसे इंडिया के 3-4 विकेट गिरते हैं ना, मेरे होप्स खत्म हो जाते हैं कि अब तो कोई बचा ही नहीं है। वही इसके पहले मुझे पता रहता था कि सब आउट हो जाएंगे ना, तब भी धोनी खड़ा है। धोनी की गई इन सब चीजों ने पूरे इंडियन क्रिकेट को बदल दिया था, लेकिन अब ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे साथ अब नहीं है। शायद आगे जाके कोई ऐसा यंग प्लेयर आएगा जो उनसे बेटर होगा, शायद कोई उनसे ज्यादा अच्छी कैप्टनसी कर पाएगा। इसी होप के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी धोनी वाली ये वीडियो जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।